आज नारनौंद में रिटायर्ड कर्मचारी संघ हिसार के 12 ब्लॉकों के रिटायर्ड कर्मचारियों ने वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। रिटायर कर्मचारियों की मुख्य मांग 7वें वेतन आयोग के हिसाब से संशोधन पेंशन लागू की जाए सहित कई मांगे हैं। उद्देश्य यही है कि जो हमारी मांगे मानी गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा वो पूर्णतः लागू नहीं हुई हैं। उनमें वित्त मंत्री जी ने रोड़ा अटकाया हुआ है, जबकि सारा नोटिफिकेशन हो चुका था वित्त मंत्रालय से भी और क्या नाम है वित्त विभाग से, परंतु मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी ये हमारे जो साथी हैं वित्त मंत्री जी उन बातों मांगों को स्वीकार नहीं करें, स्वीकार रहे हैं। क्या हमारी मुख्य मांगे हैं जी, जैसे पे रिवाइज है वो हमारा जल्दी से जल्दी लागू किया जाए और 65, 70, 76 और 80 आयु वर्ग में पेंशन में वृद्धि की जाए, कैशलेस जो है वो बिना शर्त के लागू किया जाए। आगे के लिए हम जी वोट की चोट तो जरूर करेंगे, क्योंकि हमारी संख्या 2.5 लाख से ऊपर है और उसके साथ है पारिवारिक जो सदस्य हैं, कम से कम एक परिवार के साथ 10 साथी जुड़े हुए हैं, 10 वोटर जुड़े हुए हैं। हम अपनी तरफ से ये प्रयास करेंगे भाई सरकार को आगामी विधानसभा में बहुमत ना मिले और इसको नीचा दिखाएंगे, जैसे जितना भी होगा हमारे से वोट की चोट करेंगे। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा का करना है वित्त मंत्री अभिमन्यु के खिलाफ। कारण ये है कि भाई मुख्यमंत्री ने कुछ बातें हमारी मानी और चिट्ठी भी जारी करी और वित्त मंत्री गया नाट। इसके अलावा जितनी भी मांगे हैं मुख्यमंत्री को हजारों बार हम मांग पत्र भेज चुके हैं, MLA MP मंत्री और केंद्र के समय मेंबर पास सभी के साथ भेज चुके हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। अब हमारा ये है कि अब जब जिस प्रकार से चुनाव हैं उसमें हम कुछ ना कुछ मतलब फैसला जो है करेंगे। ज़्यादातर लोगों का विचार है कि इस पार्टी को तो दोबारा हम आने नहीं देंगे और हमारा जो जितने भी हमारे 2.5 लाख कर्मचारी हैं रिटायर्ड कर्मचारी, 2.5 लाख पर तो हम प्रभाव रखते हैं, बाकी इससे ज़्यादा है उनके पूरे परिवार और जानकार जो है ना उनके खिलाफ़ वोट गिरेंगे। क्योंकि मांग है जी हमारी पेंशन संशोधित करने का जो आदेश है वो लागू किया जाए, उम्र बढ़ने के साथ पेंशन बढ़ाई जाए जो मुख्यमंत्री ने मानी थी, हमें कैशलेस मेडिकल सुविधा बगैर किसी शर्त के हर बीमारी के लिए दिया जाए, और दूसरी बात ये थी कि हमारे साथ जो कम्यूटेशन के साथ जो ले के पैसे ले के ज़्यादा ब्याज पे हमें रिकवरी मांगते हो वो गलत है, हमारे से मुनाफा लेना बंद करो, 4% ब्याज पे कम्यूटेशन होनी चाहिए। 4-5 मांगे हैं जो अब इस समय में वो कर सकते हैं, बाकी तो चुनाव के बाद कई मामला है सारे का। हमारा मामला ये सरकार झूठी है, आयुष्मान योजना की ढोंग रखती है और वायदा कुछ करती है कि हम कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा देंगे, परंतु इस सरकार ने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोलती है। दूसरी हमारी रिवाइज पेंशन जो 1 साल से भी ऊपर हो गया है, जो FD से भी मंजूर होगी, इधर उधर घुमाते रहते हैं, कभी परफॉर्मा कुछ बता देते हैं कभी कुछ, और ये कैप्टन साहब को तो ये ही नहीं पता कि AD डिपार्टमेंट इसका है दूसरे का है, FD डिपार्टमेंट इसका है उसका है। ये मिलिट्री से रिटायर हुए साथी हैं, मिलिट्री की नॉलेज रखते होंगे परंतु प्रशासनिक नॉलेज नहीं है इनको प्रशासन की तरफ से। जब जब भी हम मांग पत्र देने के लिए इनके पास ही नारनौंद में गए, इन्होंने कह दिया तुम्हें क्या हो सकता है, तुम्हें क्या हो सकता है, ये अपने वेतन भत्तों को एक कलम से स्पीकर के सामने बढ़ा देते हैं। 402 MLA और MP को यानी इन्होंने ऐसे किया है कि 10-10 लाख से ऊपर इन्होंने मेडिकल रीइंबर्समेंट के केस निकलवाए हैं और